उधर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रवासी मित्र ऐप का लोकार्पण किया। इस ऐप का मकसद अन्य प्रदेशों से उत्तर प्रदेश आने वाले प्रवासी नागरिकों को हर तरह की सहायता उपलब्ध कराना है, जिसमें सरकारी योजनाओं का लाभ, उनके स्वास्थ्य की निगरानी और विशेषकर उनके कौशल के लायक भविष्य में नौकरी और आजीविका प्रदान करने में मदद करना है। इसके लिए ऐप के जरिए प्रवासी नागरिकों का डेटा संग्रह होगा। प्रमुख सचिव अमित मोहन प्रसाद ने कहा कि प्रदेश में अब तक 3,145 केस सामने आए हैं, जिनमें 1,821 एक्टिव केस हैं। उपचार के बाद 3,145 में से 1,261 पेशेंट्स पूरी तरह ठीक हो गए हैं और उन्हें घर भेज दिया गया है। प्रदेश के 68 जनपद कोरोना से प्रभावित हुए हैं। प्रदेश में कोरोना से 63 लोगों की मौत हो चुकी है। उन्होंने बताया कि गुरुवार को कोरोना के 4,848 सैंपल्स की टेस्टिंग की गई। प्रमुख सचिव स्वास्थ्य ने बताया कि बुधवार को 1,779 सैंपलों को मिलाकर 373 सैंपलों का पूल टेस्ट किया गया, जिसमें 18 पूल सैंपल पॉजिटिव मिले। उन्होंने बताया कि पूरे देश में सबसे अधिक सैंपल टेस्ट करने वाली सूची में उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर आ गया है। गुरुवार को प्राइवेट और सरकारी लैब्स में 1,16,030 सैंपलों की जांच की गई। आइसोलेशन वार्ड में अभी फिलहाल 1,885 लोगों को रखा गया है, जबकि क्वारंटीन सेंटर में 9,575 लोग दाखिल हैं।